हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ यहाँ पर एक वीवो को न्यू मोबाइल की। तो ये जो मोबाइल है यहाँ पर वीवो का Y31 मॉडल है इसका, ये वीवो की तरफ से आने वाला अभी लेटेस्ट वर्जन है। और साथ ही फ्रेंड इसके दो वेरिएंट आते हैं, तो मैं फर्स्ट वेरिएंट की बात करूँ तो जो ये वेरिएंट है मेरे पास रेसिंग ब्लैक है, और दूसरा आपको यहाँ पर जो कलर मिल जाएगा वो आपको ओशियन ब्लू मिल जाएगा। तो ये दो वेरिएंट आते हैं जो कि 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपको बैटरी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली, काफ़ी लार्ज होने वाली, वो आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। साथ ही यहाँ पर जो कैमरा है इसका काफ़ी अच्छा है, और जो कि आप V20 के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। तो साथ ही फ्रेंड अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप ये किसे परचेस कर सकते हैं, तो ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। अगर आप इसे ऑफलाइन चाहते हैं तो वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, और साथ ही अगर इसे आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड मेरा नाम है सुमेंद्र मौर्य, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड मैं यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर जल्दी से हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए मैंने इसकी पन्नी उतार रखी पहले से, और इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको दिख जाएगा बॉक्स में, इसे मैं रख देता हूँ साइड में, और इस तरह से आप फर्स्ट देख लेते हैं क्या निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक इसका सेफ्टी कवर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर बैक कवर है ये, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर कुछ यूज़र गाइड मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक स्लॉट निकालने के लिए अपने पिन मिल जाएगा, तो इसमें इससे निकाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर यूजर गाइड है जो आप पढ़ सकते हैं, तो इसे भी मैं रख देता हूँ साइड में। और साइड में बाकी इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद हमारा आ जाता है मेन फ़ोन, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं इसको भी। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर फ़ोन दिख जाएगा, तो इसको हम बाद में देखते हैं। और इसे भी हम रख देते हैं साइड में, बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर आपको एडाप्टर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर चार्ज एडाप्टर है, तो यहाँ पर थोड़ा जूम हो रहा है। तो मैं पावर एडाप्टर की बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा, जो वीवो की तरफ से आता है यहाँ पर 2 एम्पीयर का है, तो वो इस तरह से आपको दिख जाएगा। कुछ क्वालिटी इसकी इस तरह से है। जो एक्सेसरीज है यहाँ पर, एक आपको डाटा केबल मिल जाएगी, तो ये जो डाटा केबल है यहाँ पर, इस तरह से मैं निकाल लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर सी टाइप यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाएगा, जो कि इस तरह से आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और USB यहाँ पर आपको मिलता ही है, जो कि है हमेशा ही आता है। और साथ में हम हेडफोन की बात करें तो यहाँ पर हेडफोन, जो कि नॉर्मली हमेशा वीवो की तरफ से आती हैं, तो इसे भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। कुछ यहाँ पर इस तरह से दिख जाएंगी, तो इनका लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पर वीवो की तरफ से हेडफोन आती हैं, तो चलिए इसे भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब हम मेन फ़ोन को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका लुक होने वाला है। और ये जो रेसिंग ब्लैक है, जो कि मैंने बताया, इसकी मैंने जो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, और जल्दी से हम इसे बूट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बूट हो गया है, तो जल्दी से हम इसका लॉक हटा देते हैं। और इस तरह से आपको कुछ डिस्प्ले दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले से बात करते हैं। तो डिस्प्ले की मैं बात करूँ फ्रेंड यहाँ पर, तो आपको ये जो डिस्प्ले मिलती है फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको रेजोल्यूशन इसमें मिल जाता है 2408x1080। तो ये आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन के साथ आता है, फुल HD के साथ आता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूँ मैं, इसका साइज़, जो डिस्प्ले का साइज़ है, तो फ्रेंड अगर मैं इसके इंच की बात करूँ तो ये आपको 6.58 इंच का मिल जाता है, और यहाँ पर सेंटीमीटर 16.71 सेंटीमीटर का ये डिस्प्ले है। तो यहाँ पर ये फुल HD के साथ आपको मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको P3 कलर्स मिल जाते हैं इसमें। तो फ्रेंड बाकी बात करूँ तो ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर आपको 3D डेजलिंग कलर मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया आपको 2 वेरिएंट आते हैं, आपको एक रेसिंग ब्लैक मिल जाता है, और साथ ही आपको ओशियन ब्लू, दो कलर के साथ ये आता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और फ्रेंड साथ ही मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको स्लिम डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि आपको 8.38mm के साथ आता है। जो इसकी थिकनेस है वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगी, जो 8.38mm के साथ आती है। चलिए फ्रेंड इसके सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो मॉडल है वो यहाँ पर वीवो Y31 है, आपको मिल जाता है। और साथ ही फ्रेंड इसके मैं रैम की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 6 GB रैम और 128 GB के साथ आता है, जो इसका स्टोरेज है। और साथ ही प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको मिल जाता है 2 GHz का मिल जाता है, जो स्नैपड्रैगन के साथ आता है, जो HDDM 662 ओक्टा कोर के साथ है, जो इसको आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके मैं फ्रंट टच OS की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको मिल जाता है वो 11 मिल जाता है, और ये एंड्रॉयड 11 पे काम करता है। और साथ ही ब्रांड इसके बात करूँ मैं, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और यहाँ पर आपको जो एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा वो 11 है, जो कि मैंने बताया यहाँ पर एंड्रॉयड 11 के पर ये वर्क करता है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच वगैरह सारे अपडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर इसका कर्नल वर्जन है वो आपको लेटेस्ट ही मिल जाता है, 4.19। और ब्रांड इसकी अब हम बैटरी की बात कर लेते हैं, तो चलिए हम बैक में चलते हैं और इसकी हम बैटरी चेक कर लेते हैं।
तो चलिए पहले इसके बैटरी की बात कर लें, तो बैटरी की बात करें यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप देगी आपको। तो बाकी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अदर फोन्स की तरह, तो यहाँ पर आपको बैटरी परसेंट भी आप दिखा सकते हैं, जो कि आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो बैटरी यहाँ पर कुछ और रहा, और मैं इसके गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अगर गेमिंग का भी शौक रखते हैं तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा गेम मोड भी मिल जाता है, जहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसका अल्ट्रा मोड का यूज, जब आप कोई गेम यूज करेंगे तो उस समय आपको ये अनेबल कर देना है, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। जब आप गेम अपने यहाँ डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ आप ये चीज़ें फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रहा, और मैं चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसके मेन चीज़। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स की बात करूँ तो फ्रेंड यहाँ पर एक पावर आपको बटन मिल जाता है, जो जिससे आप अपने पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो इस तरह से आपको दिख जाएगी डिस्प्ले में। साथ ही फ्रेंड इसके ऊपर की तरफ बात करूँ, यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं इससे अपना, और साथ ही आप नोटिफिकेशन वगैरह और साथ ही अलार्म का भी आप यहाँ पर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड आप तो चलिए फ्रेंड मैं इसके ऊपर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाता है प्राइमरी, यहाँ पर माइक्रो स्पीकर, और साथ ही फ्रेंड यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्लॉट, ये ट्रिपल स्लॉट आता है। यहाँ पर आपको दो अपने सिम आप लगा सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप एक वन टीवी का यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर वन टीवी तक का सपोर्ट करता है एक्सटर्नल। तो फ्रेंड इस तरह से आपको यहाँ पर ये स्लॉट मिल जाता है। और साथ ही फ्रेंड यहाँ पर बाकी बात कर लेते हैं साइड में, तो साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है। और इसके नीचे की तरह हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, साथ ही आपको आपको सेकेंडरी माइक्रो स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सी टाइप यहाँ पर चार्जर जैक मिल जाता है, यहाँ पर जो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रेन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो साथ ही फ्रेंड इसके बैक कैमरे की बात करें तो फ्रेंड इसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, साथ ही नीचे दो कैमरे दिए गए हैं, इनमें एक आपका 2 मेगापिक्सल का बोकेज यहाँ पर काम करता है, और साथ ही यहाँ पर एक आपको माइक्रो सुपर माइक्रो का काम करता है, यहाँ 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे दिए गए हैं। तो ये आपको 3 कैमरे के साथ आता है, साथ ही यहाँ पर आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाती है, जो कि यहाँ पर दी गई है, और साथ ही यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है ट्रिपल कैमरा। तो चलिए फ्रेंड अब इसके हम फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो नॉच इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पर आप अपनी सुपर नाइट सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर मोड मिल जाते हैं, जो नाइट में आप फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ बैक और फ्रंट कैमरे की चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसी का एक बॉक्स ले लेता हूँ, तो जैसे कि आप बैक कैमरा देखें तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर इमेज दिखाई दे रही है। और इसका जो बैक कैमरा है, अगर आप इसे 48 मेगापिक्सल यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको AI 48 मेगापिक्सल यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको AI फोकस मिल जाएगा वैसे, और ये ऑटो ही काम करता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको नाइट फिल्टर मिल जाते हैं यहाँ पर, तो आप नीचे की तरफ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट मोड भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर पोर्ट्रेट और यहाँ पर फोटोज़ वगैरह, तो आपको अलग अलग यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कई सारे फिल्टर मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख जाएंगे, तो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, तो नीचे की तरफ यहाँ पर खुल जाएगा। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर खुल जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, तो जिनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसके हम फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा ऊपर मेरे एक लाइट लगी, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब दिखाई देगा। और इसका जो फ्रंट कैमरा है, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर जो 16 मेगापिक्सल दिया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है, और यहाँ पर आप नाइट सेल्फी काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे और काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर एक मैं चेक कर लेता हूँ नाइट सेल्फी, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो काफ़ी अच्छी आ रहा है। तो यहाँ पर आप जब जूम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप काफ़ी यहाँ पर जो इमेज फटने लगती है वो इसमें ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। और साथ ही मैं इसके बैक कैमरे की भी चेक कर लेता हूँ। तो बैक कैमरे में हम इसे जब करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ और साथ ही इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए बरन यहाँ पर मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी आप लार्ज जूम कर सकते हैं इसे, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ने यहाँ जल्दी से इसके हम स्क्रीन लॉक की चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट चेक करता हूँ तो यहाँ पर पावर बटन से ही आपको यहाँ पर दिया है, आपको टच करना है, आपने जो फिंगरप्रिंट बनाया है, तो मैं इसे जल्दी से देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अनलॉक हो रहा है, फिर से मैं इसे लॉक कर दे रहा हूँ, फिर से टच करूँगा तो अनलॉक, तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट। तो इसी तरह से इस फिंगरप्रिंट कुछ मिल जाता है, और आप फेस लॉक भी इसे, तो चलिए पहले आप जल्दी से इसका फेस लॉक चेक कर लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है। तो जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और ये आपको अनलॉक होता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। मैं एक बार आपको और दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरह से देखिए काफ़ी तेज़ी फास्ट काम कर रहा है। तो फेस लॉक काफ़ी तरह अच्छे से काम करता है, आपको नॉर्मल लॉक को हटा लीजिएगा। तो यहाँ पर फेस लॉक और यहाँ पर सारे आपको फिंगरप्रिंट लॉक मिल ही जाते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर कैमरा वगैरह, और यहाँ पर आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है।